शेट्टी साहब का बिगुल बहुत जोरदार लगता है। मतलब शेट्टी साहब ऐसे मतलब आते हैं जैसे मतलब कोई वो शाही आदमी चल के आ रहा हो ना, वैसा बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैसा दमदार। शेट्टी साहब स्वागत है, आपके कॉल्स भी वैसे ही हैं जैसा बिगुल है। तो अब काफी कुछ तो आपकी रिसर्च, आपकी नॉलेज, आपकी नेटवर्किंग का और बाकी बिगुल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि आपके कॉल्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। बताइए सर, आज क्या क्या है आपके पास? गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू अनिल जी। बाकी आज भी अनिल जी दो स्टॉक है जी। एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक एफएनओ का स्टॉक है। खरीदारी करने की राय है, बाजार बिल्कुल एक शानदार। याद ही नहीं आता जब से शुरू किया सेगमेंट, कभी एक भी शॉर्ट कॉल दिया मुझे तो याद ही, एक आध दिया है क्या? नहीं दिया। नहीं नहीं अनिल जी, जिस दिन छुट्टी ले ली मतलब समझ लीजिए लोटा लीक गया। जिस दिन मूड खराब उस दिन छुट्टी ले ली, शॉर्ट कॉल ला दो। मतलब आपके विचार सिमी जी से बहुत मिलते जुलते हैं इस मामले में, लेकिन वो चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट है तो कभी कभी दे देती है। लेकिन बताएं सेठी साहब, शुरुआत कीजिए पहले कॉल्स के साथ। और वैसे अनिल जी, छुट्टी मैंने पूरे जब से ये सदाबहार सेठी साहब सेगमेंट शुरू किया तब से कोई एक आध बार ही लिया है, तो मतलब शॉर्ट का तो बाजार ही नहीं था कभी भी, अभी पिछले दो तीन महीने से। अनिल जी, जो मेरा आज का पहला स्टॉक है, अनिल जी देखिए आज आईटी सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। आज जब हमारे बाजार बंद होंगे उसके बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे, और टीसीएस के नतीजे से बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कमेंट्री बहुत ही अच्छी होने वाली है। हमने एक्सचेंजर की कमेंट्री सुनी तो मुझे लगता है पूरा आईटी सेक्टर मंडे से फोकस में रहेगा। और खास करके ये जो कैश मार्केट का स्टॉक है, ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ते। स्टॉक का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर, एक जबरदस्त कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सेगमेंट में काम करती है, और कई सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, ट्रेवल और कई और इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। पिछले साल डिविडेंड दिया 20.25 रुपए का, डिविडेंड यील्ड भी करीबन 5% की है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी 41%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% का। डेट तो ये आईटी कंपनीज में आमतौर पे होता है ही नहीं। और बाकी अनिल जी, मुझे लगता है जिस तरह से ये टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, मुझे लगता है मंडे से पूरा आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा, और ये जो खास करके छोटी साइज की जो आईटी कंपनी जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती है, उनमें बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। ये जो अभी 420 के लेवल पे ट्रेड करता है, इसमें मेरा 440 का बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 410 रुपए का। 410 का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट, और शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय सोनाटा सॉफ्टवेयर। और मेरे को याद है जब जब सोनाटा सॉफ्टवेयर सेठी साहब ने रिकमेंड किया तब तक टारगेट हासिल भी किए, वो उसके ऐसे टच एंड गो नहीं, आराम से टारगेट हासिल किया, टिका, उसके पार निकला और ऊपर, तो आराम से शांति से तसल्ली से 440 पहुंचेगा, चिंता की कोई बात नहीं। ये है सोनाटा सॉफ्टवेयर में सेठी साहब की राय। बताएं सेठी साहब, आपका दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक भी अनिल जी आईटी स्पेस से ही है, और मेरी पसंदीदा कंपनी इंफोसिस। इस स्टॉक को अनिल जी आपको याद होगा 15-20 दिन पहले से ही 1130 के लेवल से मैं लगातार रिकमेंड कर रहा हूं, और फिर भी होल्ड करने की सलाह देता रहा हूं, बिकॉज मेरा ये मानना था कि 13 जनवरी को जब इंफोसिस के नतीजे आएंगे, जो कि आने वाले बुधवार को है, आज टीसीएस के नतीजे के बाद इंफोसिस अपने नतीजे पेश करेगी बुधवार को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत ही दमदार नतीजे इंफोसिस से आने चाहिए। हाल ही में इन्होंने एक बड़ी डील डेमलर के साथ भी साइन करी है, और एक जो और तड़का जो लग रहा है मुझे इस स्टॉक में आ सकता है, जिस तरह हमने देखा टीसीएस और विप्रो दोनों ने एक अपने दी देन जो मार्केट प्राइस थे उससे 10-15% के प्रीमियम के ऊपर बाईबैक अनाउंसमेंट किया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंफोसिस से भी कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुधवार को जब इनके रिजल्ट आए। तो इंफोसिस में अगर कोई ऐसा बाईबैक आता है तो वो कम से कम 1450 के प्राइस आने चाहिए। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंफोसिस इवन फ्रॉम दीज लेवल। खरीदारी करने की सलाह है जो अभी 1305-10 के लेवल पे ट्रेड करता है, मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म 1350 का तो पहला टारगेट, फिर 1400 का टारगेट है। ओके, स्टॉप लॉस की जरूरत तो नहीं है ना? लगता नहीं है इन्फोसिस में जरूरत पड़ेगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, इन्फोसिस खरीदे। अभी अभी थोड़ी देर पहले बागले साहब ने भी बाय कॉल दिया, आशु जी बुलिश ही है आपके साथ साथ, मैं भी लगातार इन्फोसिस रिकमेंड करते आए, तो हम दोनों की लगभग साथ साथ में रिकमेंडेशन आती हुई दिखी। 1350-1400 ये है टारगेट, इन्फोसिस खरीद के चले टीसीएस के रिजल्ट के बाद, टीसीएस चले इन्फोसिस रिजल्ट से पहले, और एक्शन दिखा देगा, एक्शन और बढ़ने के लिए तैयार है। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी रेडी है, लेकिन लेते हैं ना, लेकिन कुणाल जी के लिए बहुत जरूरी है भाई, कुणाल जी डेटा